नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है योगी समर क्लासेस के अंदर। और आज हम सोलर सिस्टम मतलब अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो सोलर सिस्टम को इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव रहना है तो आप हमारी चैनल योगी समर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम स्टैटिक जीके पोर्शन, हिस्ट्री और बहुत सारे इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं जो आपके RMS, UP सैनिक और सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम मैं आपको बता दूं, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है या फिर कोई भी चीज़ का जिक्र करना होता है तो उसमें जो सबसे उम्र दराज या सबसे बड़ा होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा हमें मिलता है सन। तो आज हम पहले बात करेंगे सन के बारे में। तो सन की हम कुछ प्रॉपर्टियां जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टियां ये हैं, प्रॉपर्टी पहली है कि उसका मास कितना है। तो मास उसका है 2 × 10⁻³० kg। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका डायमीटर कितना है, तो वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर, जो कि 109 अर्थ का है। एज इसकी कितनी है, एज आपको याद नहीं रखनी है, पर फिर भी 4600 मिलियन ईयर। एनर्जी आउटपुट मतलब एनर्जी कितना वो कहता है, तो 4 × 10⁻³ kW। आपको याद रखना है ये सरफेस टेम्परेचर, जो उसका सरफेस टेम्परेचर है वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि उसको किस से मिलके बना है। तो वो बना है 74.5% हाइड्रोजन है और 23.5% उसके अंदर हीलियम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेयर्स के बारे में। तो आपको लेयर्स याद रखनी है कि जो अपना सोलर सिस्टम में जो सन है उसके अंदर टोटल 6 लेयर होती हैं। तो आपको पहले कोर होती है, फिर होती है हमारी रेडिएटिव जोन, देन अपना आता है हमारा कन्वेक्शन जोन, देन हमारा आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर आपको ये याद रखनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपनी कन्वेक्शन जोन है और रेडिएटिव जोन है और ये जो अपना क्या कहते हैं कोर है, ये तो इसकी इनर लेयर है। और जो फोटोस्फीयर और अभी आप आगे आएगा एक क्रोमोस्फीयर और एक कोरोना भी इसकी एक लेयर होती है। वो वाला कोरोना नहीं, दूसरा वाला कोरोना, ये एक सन की लेयर है, वो भी जो है एक लेयर होती है। तो ये टोटल 6 लेयर होती हैं सन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हमने ये बात कर ली तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम आपको बात करते हैं चलो इस मिशंस के बारे में। तो मिशंस में आपको बता दूं, नासा ने बहुत सारे मिशन करे हैं, पर आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है आदित्य L1। तो आदित्य L1 आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये जो इंडिया द्वारा छोड़ा जाएगा आदित्य L1, जो कि छोड़ा जाना था 2021-22 में, पर अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली तो मैं आपको बता दूं, एक GRIPS-3 नाम की ऑब्जर्वेटरी भी है यहाँ पर क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, जो कि सन के ऊपर स्टडी करती है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब हमने ये सारी चीज़ें याद कर ली, अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हमारे टोटल कितने प्लैनेट हैं। हमारे पहला प्लैनेट आता है, हमारे टोटल 8 प्लैनेट हैं। पहला मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस और 8th नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर वीनस और जो यूरेनस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बाकी जितने भी वो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जो वीनस और मतलब ऐसे कौन कितने ग्रह हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका वीनस एंड यूरेनस। आगे हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के प्लैनेट्स होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 2 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और जूवियल। तो मैं आपको बता दूं टेरेस्ट्रियल कौन कौन से होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हो गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मतलब जो आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है उसके जितने भी आगे प्लैनेट हैं वो तो हैं आपके टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट। और जो भी उसके पीछे हैं लाइक जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न हो गया, नेपट्यून हो गया और प्लूटो हो गया, तो वो होते हैं जोवियन प्लैनेट। अब मैं आपको बता दूं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमेशा रॉकी सरफेस होती है उनकी, और जो उनका कोर होता है वो हैवी मेटल से कंपोज होता है। और जो ये जो होते हैं आउटर प्लैनेट, इनमें गैस जायंट्स होते हैं, आइस जायंट्स होते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं IAU की डेफिनेशन के बारे में। प्लैनेट की IAU की डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब उसकी एक ऑर्बिट होनी चाहिए सन के अराउंड, एंड हैज द सफिशियंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, मतलब उसकी सेल्फ ग्रेविटी के लिए मतलब सफिशियंट मास होना चाहिए, एक सफिशियंट मास उन्होंने रख रखा है। और
आगे बढ़ते हैं और हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और जो उसका नेबरहुड है मतलब जहां पे वो ऑर्बिट में उसका आसपास का इलाका है वो साफ होना चाहिए एकदम, मतलब उसमें एस्ट्रॉयड वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि प्लूटो आजादी क्या था, जैसे आपको होता है 2006 में, तो उसमें प्लूटो पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही कर रहा था कि मतलब उसका ऑर्बिट था सन के अराउंड में, सेकेंड भी कंप्लीट कर रहा था कि उसके पास सफिशियंट मास था सेल्फ ग्रेविटी के लिए, बट जो थर्ड था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, वो कभी किसी और की ऑर्बिट में जा रहा था और एस्ट्रॉयड से घिरा हुआ था, इसीलिए प्लूटो को 2006 में प्लैनेट्स की श्रेणियों में से हटा दिया। आगे हम बात कर लेते हैं तो प्लूटो जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ड्रॉप प्लैनेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जो सेकेंड लार्जेस्ट ड्रॉप प्लैनेट है वो प्लूटो है, जो फर्स्ट है वो आयरस है, तो ये आपको याद रखना है। प्लूटो चर्चा में इसीलिए रहता है क्योंकि प्लूटो पहले एक प्लैनेट था बट अब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस के बारे में। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज इट्स टर्निंग ऑन इट एक्सिस, मतलब रोटेशन क्या होता है, जैसे ये एक पैन है तो पैन अपने ही एक्सिस पर ऐसे करके घूम रही है, तो ये तो हो गया इसका रोटेशन। एंड इफ अगर ये पैन ऐसे करके किसी भी चीज के चक्कर लगाए, गोल 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 ऐसे करके गोल चक्कर लगाए, तो इसको आप बोलोगे इलेप्टिकल शेप में, तो इसको आप बोलोगे रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो 23 आवर्स 56 मिनट का होता है, रिवॉल्यूशन 365 डेज और 4 आवर्स का होता है, इसीलिए मतलब हर 4 साल बाद एक ईयर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्लैनेट्स रोटेशन और रिवॉल्यूशन उनसे जुड़े हुए तत्व। तो पहले मरकरी का रोटेशन होता है 58.8 डेज में और रिवॉल्यूशन 88 डेज में। मैं आपको बता दूं इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो दो ही है कि वीनस का जो रोटेशन टाइम है वो सबसे अधिक है और जबकि जुपिटर का सबसे कम है। रोटेशन वीनस को 243.7 डेज लगते हैं अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में, जबकि जुपिटर सिर्फ 9.55 आवर्स लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है और इसका सबसे फास्टेस्ट ऑर्बिट पीरियड है, मतलब ये सबसे तेज रिवॉल्यूशन कर लेता है सन की। और इसके लिए मतलब मिशन भेजा गया था एक मैनहट्टन, जो आपको याद रख लेना है 1994 में नासा द्वारा। देन हम आगे बात कर लेते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस का रिवॉल्यूशन है 225 डेज का, जो कि ये क्लॉकवाइज करता है, मैंने आपको बताया था। फिर इसका रोटेशन हाईएस्ट है 243 डेज का। फिर ये जो प्लेनेट है फिर पूछा जाता है या तो अर्थ सिस्टर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या फिर जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है जो प्लेनेट है, ये चारों ही नाम वीनस को दिए जाते हैं। और ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ से विजिबल है, इससे पहले मून है। सेकंड बात कर लेते हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार है और इवनिंग और मॉर्निंग स्टार मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि लॉजिकली तो वीनस को होना चाहिए, मतलब मरकरी को होना चाहिए, तो ये इसीलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो वीनस की सतह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसी की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने मार्स के बारे में। तो मार्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद में, ये आपको याद रखना है। इसकी दो सैटेलाइट है, इसके दो मून है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस, और डीमोस जो है वो स्मॉलेस्ट मून है, डीमोस जो है अपने सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट मून है। और इसी के ऊपर मार्स के ऊपर सबसे बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है ओलंपस मून, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन और लार्जेस्ट एनिमल इन द सोलर सिस्टम, कैनॉइज जो होते हैं, कैनॉइज जो लार्जेस्ट है वो वेलिस मैरिनर्स है जो कि मार्स पे ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिशंस के बारे में। तो मिशंस आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस अपने मिशन एक ही याद रखना है, मंगल मॉम मतलब मंगल मिशन मतलब मार्स मिशन जो है ये 15 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, BSLV-25। और आपको ये याद रख लेना है कि इंडिया कौन सा देश बना था इसको करने वाला, तो इंडिया बना था फोर्थ कंट्री जो कि सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर गया, इससे पहले USSR मतलब रशिया, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड देन नासा एंड देन इसरो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर का रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था 11.862 ईयर्स होता है और ये बिगेस्ट प्लैनेट है और ये ज्यादातर हाइड्रोजन से बना हुआ है और थोड़ा सा इसमें हीलियम भी है। इस पे एक ग्रेट स्पॉट है, ग्रेट स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट, जिसे जहां पर एक जायंट स्ट्रोम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं जुपिटर के पास 79 मून्स हैं,
2019 से पहले सबसे ज्यादा सैटेलाइट का रिकॉर्ड जुपिटर के नाम था, बट हाल ही में सैटर्न पर तीन और मतलब सैटेलाइट देखी गई है, जिसकी वजह से सैटर्न सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला देश नहीं प्लैनेट बन चुका है, जिसके ऊपर 82 मून्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक मून है गाइनेड नाम का, जो कि लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, और ये मून है जुपिटर का। तो आपसे पूछ लिया जाएगा अब व्हाट इज दी विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो आपका आंसर होना चाहिए देन भी। आपको मिशंस याद नहीं रखने, मिशंस नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। आगे हम बात कर लेते हैं सैटर्न, तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है, यही सब इंपोर्टेंट है, और इसका एक स्टार है मतलब मून है जिसका नाम है टाइटन, और ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, और ये इकलौती ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिस पर साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ जैसा पानी है और यहाँ अर्थ जैसी सरफेस है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलने के वो हैं। तो इसी के लिए कैसिनी हुईजेंस जो है 2004 में यहाँ मतलब लॉन्च किया गया था, जो कि अभी वहां पर पहुंचना है, सैटर्न के पास अभी पहुंचा नहीं है इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे हमने यूरेनस के बारे में, तो यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, 84 इयर्स लगता है इसको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ये थर्ड तो लार्जेस्ट प्लेनेटरी रेडियस मतलब आप कहें तो बड़े आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और चौथा लार्जेस्ट है प्लेनेटरी मास के मतलब प्लेनेटरी मास मतलब वजन के उस मामले में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको खोजा किसने गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको विलियम हार्सेल ने खोजा था यूरेनस को, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सैनिक स्कूल के अंदर, ये आपको याद रखना है। और इसमें रिंग सिस्टम होता है, वैसे सैटर्न में भी होता है और यूरेनस में भी होता है, इसमें 27 मून्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमने लास्ट एंड दी फाइनल प्लेनेट के बारे में, जो है नेपट्यून। नेपट्यून जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट तो एरिया के मामले में डायमीटर या एरिया, और थर्ड लार्जेस्ट है मास के मामले में। इसके 13 मून है जिसमें सबसे बड़ा ट्राइटन है, इसकी जो खोज है जोनस गैले ने करी थी, और इसके लिए जो मिशन है वो वॉयजर 2 भेजा गया था नासा के द्वारा 1986 में। इसी के साथ दोस्तों आज हमारा सोलर सिस्टम का ये चैप्टर खत्म होता है, और कल हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट 100 to 150 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। धन्यवाद।